बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर है। यह सिर्फ दिन में ही पूरा खिलता है, सुबह के वक्त या मॉर्निंग में या शाम में ये बंद हो जाता है। जैसे इस वक्त यह अभी बंद है, आप देख सकते हैं अभी यह बंद है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा ये खिलता हुआ चला जाएगा और पूरा दोपहर के बाद में ही पूर्ण आकार में ये खिलेगा और फिर शाम को धीरे धीरे ये बंद होना शुरू हो जाएगा। फिर हमको एक प्लांट्स के बारे में मालूम है जिसका नाम है छुई मुई, बिल्कुल उसी का ये उल्टा है। दिन में खिलता है, रात में बंद हो जाता है। इस फ्लावर में कई कलर हैं, जैसे यह एक कलर है, एक कलर यह है। तो अभी यह सुबह का वक्त है और धीरे धीरे यह अभी खुलना शुरू हुआ है। मैं दोपहर का जब शूट करूंगा तब दिखाऊंगा कि यह पूरा खिलने के बाद कितना सुंदर इंटरेस्टिंग दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। यह जब दोपहर होगा तब ये पूर्ण आकार में खिल जाएगा। फिर शाम को धीरे धीरे जैसे ये बंद हो गया है ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। तो बाकी का वीडियो मैं जब दोपहर में शूट करूँगा उस टाइम आपको दिखाऊँगा कि खिलने के बाद कितना खूबसूरत जो है ये दिखता है। जैसा कि मैंने कहा था कि दोपहर में खिल जाएगा, अब दोपहर हो चुकी है, अब ये हमारा खिल चुका है फ्लावर। ये फ्लावर जो बिल्कुल बंद थे अब ये पूरी तरह से खिल गए हैं, पूरी तरह से इनका कलर जो है देखा जा सकता है, कितना प्यारा कलर है। यही इस फ्लावर की खासियत है कि शाम को ये बंद हो जाते हैं और इस तरह से, और दिन में जब धूप पूरी तरह होती है तो ये पूरा खिल जाते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर है, इसका नाम है गजानिया। खिलना बंद होना इसका लगातार चालू रहेगा, जब तेज़ धूप होगी तो पूरी तरह से फ्लावर ओपन हो जाएगा। इसकी ब्यूटी को आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल गार्डनिंग सीखो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा गजानिया का जो फ्लावर था, अब ये शाम होने को आ गया है, धीरे धीरे अब ये धीरे धीरे बंद होना चालू हो गया है। ये तो पूरा ही बंद हो चुका है अब, क्योंकि दिन डूबने को आ गया है, एकदम बिल्कुल शाम हो चुकी है। जैसे जैसे दिन डूबने के करीब आया है ये जो है कि पूरा बंद होने का प्रोसेस चालू हो गया है। अब हमारा फ्लावर जो है सिकुड़ना, इसी खासियत को हम आपको दिखाना और बताना चाहते थे कि सुबह जब दिन निकलता है तो वो कैसा रहता है और जैसे दिन डूबने को आता है तो धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाता है। इसकी यही विशेषता थी जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते थे।